हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 13 द फैमिली। ये सेकंड जो सेक्शन है हैप्पीनेस कॉज ऑफ हैप्पीनेस बाय फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्ट्रैंड रसेल, उसका ये चैप्टर है 13। सो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट हैव कम डाउन टू अस फ्रॉम द पास्ट, नन इज इन द प्रेजेंट डे सो डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डिरेल्ड एज द फैमिली। वो कहते हैं कि पास्ट से जितने भी मतलब ह्यूमन के पास्ट से जितने भी आज तक हमारे पास इंस्टीट्यूशंस आए हैं, वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनमें से सबसे ज़्यादा जो डिसऑर्गेनाइज्ड है और डिरेल्ड है वो उसमें फैमिली है। फैमिली एक इंस्टीट्यूशन जो है। अफेक्शन ऑफ पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रन एंड ऑफ चिल्ड्रन फॉर पेरेंट्स इज केपेबल ऑफ बींग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, बट इन फैक्ट एट द प्रेजेंट डे द रिलेशन ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन आर इन 9 केसेज आउट ऑफ 10 अ सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस टू बोथ पार्टीज एंड इन 99 केसेज आउट ऑफ 100 अ सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस टू एट लीस्ट वन ऑफ द टू पार्टीज। वो कहता है कि अफेक्शन जो माँ बाप के लिए बच्चों की तरफ और बच्चों की मोहब्बत माँ बाप की तरफ, वो एक बहुत अच्छा सोर्स है हैप्पीनेस का, लेकिन आज के जो डे में प्रेजेंट डे में ये रिलेशन 99 केसेस में आउट ऑफ 10 ये दोनों पार्टीज के लिए जो है वो अनहैप्पीनेस का सोर्स है, और या तो फिर 99 केसेस आउट ऑफ 100 में किसी दोनों में से किसी एक पार्टी के लिए अनहैप्पीनेस का जो है ना वो सोर्स है। Where the well-to-do sections of the community are concerned, two causes have combined to make women feel parenthood a burden far heavier than it was ever felt to be in former times. These two causes are, on the one hand, the opening of careers to single women; on the other hand, the decay of domestic services. इस चैप्टर में ना वो जो है वो फैमिली की जब बात करेगा ना तो वह ज़्यादातर वुमेन के बारे में बात करेगा, क्योंकि वुमेन जो है ना वो फैमिली की जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ऑब्वियसली फैमिली स्टार्ट्स विद वुमेन, तो उसको वो बहुत इंपॉर्टेंटली जो है ना वुमेन को इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करता है। तो वो कहता है कि आजकल की जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि वेल टू डू सेक्शंस हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, उनके अंदर जो वुमेन को आजकल जो पेरेंटहुड है ना मतलब उसको माँ बनना बहुत मुश्किल लगने लग गया है, उसके लिए वो एक बर्डन हो गया है पहले ज़मानों से, मतलब कंपेयर करें अगर हम तो। दीज टू कॉलेज आर ऑन द वन हैंड द ओपनिंग ऑफ करियर्स टू सिंगल वुमेन, एक तो हमने जो है वो सिंगल वुमेन के लिए, वो कहते हैं इसके कॉजेज दो हो सकते हैं कि एक तो सिंगल वुमेन के लिए जो है वो करियर्स खुल गए, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं, जॉब्स करना शुरू हो गई हैं। ऑन द अदर हैंड द डिके ऑफ डोमेस्टिक सर्विस, के एक उसको डोमेस्टिक सर्विस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, और वो जो एक बड़ा बर्डनाइज्ड है ना डोमेस्टिक सर्विस, उससे वो निकलना चाहती है, तो उसके लिए वो पेरेंटहुड से भी भागती है। फिर नेक्स्ट वो बात करते हैं, वो एक जो है ना वो एक पोएम के जरिए ये समझाने की कोशिश करेगा। दी वी केयर ऑफ वेकफील्ड, ये उसमें से उसने उठाए हैं सबसे पहले, मैंने उस पोएम का जो है ना उस चैप्टर से उसने वो उसका नाम है द वी केयर ऑफ वेकफील्ड। द ओनली आर्ट हर गिल्ट टू कवर टू हाइड हर शेम फ्रॉम एवरी आई टू गिव रिपेंटेंस टू हर लवर एंड रिंग हिज बॉसम इज टू डाई। अच्छा, ये कहता है कि अगर पुराने ज़माने के अंदर, ये उसकी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ इस पूरी पोएम का जो उसने बात की है, कि अगर उस किसी बच्ची से किसी लड़की से कोई गलत चीज़ हो जाती थी अपनी अपने अडल्टहुड में या अपने यंग लाइफ में अपने टीनेजर लाइफ में, तो वो उसको जो है ना वो हर उसका गिल्ट कवर करने के लिए उसको छुपा देते थे तमाम लोगों से, उसके लिए जो है ना सिर्फ उसके लिए एक रास्ता होता था इन तमाम चीज़ों से निकलने के लिए, दैट इज़ टू डाई, कि उसको मरना पड़ता था। मतलब ऑब्वियसली मतलब आज भी ऑनर किलिंग्स होती हैं, हम सबको पता है जो है वो पाकिस्तान इंडिया में तो ज़्यादा होती हैं और भी तमाम डिफरेंट जगहों पे होती हैं, लेकिन जो है ना वो हर जगह पे ये पाई ज़रूर जाती हैं। नेक्स्ट वो बात करता है द मॉडर्न स्पिंटर्स डज नॉट कंसीडर डेथ नेसेसरी इन दीज सर्कमस्टांसिस, कि आजकल डेथ इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इफ़ शी हैज़ हैड अ गुड एजुकेशन, अगर उसकी अच्छी तालीम है, शी हैड नो डिफिकल्टी इन मेकिंग अ कम्फर्टेबल लिविंग एंड इज़ देयर फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंटल अप्रूवल, और कहता है कि मतलब उसको अपने पेरेंट्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, अगर वो अच्छी एजुकेशन है उसके पास तो एक अच्छी लाइफ कम्फर्टेबल लाइफ जो है ना अपनी मेनटेन कर सकती है। सिंस पेरेंट्स हैव लॉस्ट देयर इकोनॉमिक पावर ओवर देयर डॉटर्स, दे हैव बिकम मच मोर कैरी ऑफ एक्सप्रेसिंग मॉरल डिसअप्रूवल ऑफ देम, देर इज़ नॉट मच यूज इन स्कॉल्डिंग अ पर्सन हु वॉन्ट्स स्टे टू बी स्कॉल्डेड।
वो कहते हैं कि अगर माँ बाप से बच्चों का इख्तियार छिन जाता है, खासतौर पर बेटियों का, सो वो उस चीज़ को अच्छा नहीं समझते मॉरली, और इस चीज़ को डिसअप्रूव करते हैं। द अनमेरिड यंग वुमेन ऑफ द प्रोफेशनल क्लासेस इज देयरफॉर एबल नाउ अडेज प्रोवाइडेड शी इज नॉट बिलो द एवरेज इन इंटेलिजेंस एंड अट्रैक्टिवनेस टू एंजॉय अ थॉरली एग्रीबल लाइफ सो लॉन्ग एज शी कैन कीप फ्री फ्रॉम द डिजायर फॉर चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि आजकल की जो लड़की है जिसके पास प्रोफेशनल क्लास से वो ताल्लुक रखती है, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हर चीज़ का, वो इंटेलिजेंट भी है, अट्रैक्टिव भी है, सो वो जितनी देर हो सके खुद को बच्चों से, मतलब शादी से और बच्चों से दूर रखती है, मेरे पेरेंटहुड से दूर रखती है अपने आप को। अ वुमन हु नेवरदलेस डज टेक द प्लंज फाइंड हर सेल्फ एज कम्पेयर्ड विद द वुमन ऑफ फॉर्मर जनरेशन कन्फ्रंटेड विद अ न्यू एंड अपीलिंग प्रॉब्लम, नेमली द पॉजिटिव एंड बैड क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्विस। की आज की लड़की मतलब एक डोमेस्टिक जो सर्विस होती है ना एक माँ की, उससे खुद को दूर रख पाती है कंपेयर टू द फॉर्मर जनरेशन, जबकि एक औरत खुद को इन तमाम चीज़ों से दूर नहीं रख सकती थी। वेन द इवनिंग कम्स, अब वो बात करते हैं कि एक औरत जो अपनी लाइफ के अंदर अपनी डोमेस्टिक सर्विसेज देती है, मतलब घर पे रहती है, उसके बारे में बात करेगा कि वेन द इवनिंग कम्स एंड हर हस्बैंड रिटर्न्स फ्रॉम हिज वर्क, जब उस शाम होती है और उसका हस्बैंड घर आता है, द वुमन हु टॉक्स अबाउट हर डे टाइम ट्रबल्स इज अ बोर, के जब वो अपने शोर से उन तमाम चीज़ों की जो कि उसके दिन में गुजरी होती है बात करती है तो वो बोर हो जाता है। एंड द वुमन हु डज नॉट इज एबसेंट माइंडेड, और जो ये बात नहीं करती वो उसको समझा जाता है कि शायद ये एबसेंट माइंडेड है, इसको पता ही नहीं था क्या बात करनी है और कैसे करनी है। इन रिलेशन टू हर चिल्ड्रन, और जब उसके बच्चों से उसकी बात उससे रिलेशन की बात आती है, द सेक्रीफाइसिस दैट शी हैड मेड इन ऑर्डर टू हैव देम आर सो प्रेजेंट टू हर माइंड दैट शी इज ऑलमोस्ट श्योर टू डिमांड मोर रिवार्ड देन इट इज डिजायरेबल टू एक्सपेक्ट। While the constant habit of attending to tribal details will have made her fussy and small-minded, वो कहता है कि माँ एक बच्चे को पैदा करने में और तमाम वो उसकी ज़िंदगी भर में जो भी वो कुर्बानियाँ देती है उसके दिमाग में वो बड़ी हाईलाइटेड होती हैं, और अगर उसको उसका जो रिवॉर्ड है वो उतना नहीं मिलता जितना कि वो एक्सपेक्ट करती है, तो फिर उसका दिमाग जो है ना वो मतलब वो खुद को बड़ा अनहैप्पीनेस का शिकार होती है बेसिकली वो। दिस इज़ द मोस्ट प्रीनियस प्रीनिशियस ऑफ ऑल द इनजस्टिसेस दैट शी हैड टू सफर। वो कहते हैं ये बहुत ही मतलब जो ना वो ऑन द पीक है कि वो इस तरह के इनजस्टिसेस को सफ़र करती है। दैट इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डूइंग हर ड्यूटी बाय हर फैमिली शी हैज लॉस्ट देयर अफेक्शन, कि अपनी खानदान की खिदमत में और अपनी फैमिली को जो है ना वो उसकी उसकी ड्यूटीज परफॉर्म करने में वो खुद की जो है ना वो मतलब अपनी अफेक्शन को लॉस्ट कर देती है उनकी तरफ ना, वो खुद उनकी अफेक्शन उसकी तरफ नहीं आती, वो उसके बारे में इतना नहीं सोचते जितना जितना उनको सोचना चाहिए, और जैसे वो हाईलाइटेड रखती है अपने दिमाग के अंदर उन तमाम सेक्रीफाइसेस को जो कि उसने किए होते हैं, सो उसको उतनी मोहब्बत उतनी अफेक्शन नहीं मिल पाती। आई मीन द डिफिकल्टीज इन रिगार्ड टू हाउसिंग विच रिजल्ट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन लार्ज सिटीज, वो लार्ज सिटीज के बारे में बात करेगा कि इन द मिडल एजेस सिटीज वर एज रूलर एज द कंट्री इज नाउ, कि मिडल एजेस में सिटीज़ इतनी मतलब इस तरह की होती थी जिस तरह आज सॉरी सिटीज़ इस तरह की होती थी जैसे आज रूलर जगह है ना, मतलब जैसे सिटीज़ इतनी पॉपुलेटेड नहीं होती थी, इतना रश नहीं होता था, वो भी गांव की तरह ही लगा करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन स्टिल सिंग द नर्सरी राइम अपॉन पॉल्स स्टीप स्टैंड्स अ ट्री एज फुल ऑफ एप्पल एज दे मे बी, द लिटल बॉयज ऑफ लंडन टाउन दे रन विद स्टिक्स टू नो देम डाउन and they run and then they run from the hedge to hedge until they come to London Bridge. Paul's steep is gone and I do not know at what date the hedge disappeared between St. Paul's and London Bridge. It is many centuries since the little boys of London town could enjoy such pleasures as this rhyme suggests. Wo upar rhyme likhi hui hai usne ki kaise bacche ghoomte the, unko kitna maza aata tha London Bridge ye wo sab sari jagahon se guzarte the. But until not so very long ago, the bulk of the population lived in the country. The towns were not very vast. वो कहता है town इतने बड़े नहीं होते थे. It was easy to get out of them. वहाँ से जाना निकलना आसान होता था. And by no means uncommon to find gardens attached to many houses in them. और हर घर के साथ एक garden होता था. ये countries की बात कर रहा है वो. Towns की मतलब main towns की. अब ऐसा नहीं है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है. फिर वो कहता है दीज आर रियली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रेज बाय डेमोक्रेसी. फिर वो डेमोक्रेसी की भी का भी कसूर निकालता है कि कैसे फैमिली के अंदर जो है ना वो फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था. तो वो डेमोक्रेसी वो मतलब डायरेक्ट तो हिट नहीं करता कि वो डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, लेकिन वो बात करता है कि किस तरह डेमोक्रेसी ने चीज़ों को तब्दील किया कि इन ओल्ड डेज देयर आवर
मास्टर्स एंड स्लेव्स के पुराने जमानों में जो है ना वो मास्टर और स्लेव होता था, गुलाम और मालिक. द मास्टर डिसाइड व्हाट वाज टू बी डन एंड ऑन द होल लाइक देयर स्लेव सिंस देयर स्लेव मिनिस्टर टू देयर हैप्पीनेस. के मास्टर डिसाइड करता था क्या होगा और स्लेव को वो करना पड़ता था. टू स्लेव्स मे पॉसिबली हैव हेटेड देयर मास्टर, के स्लेव्स ऑब्वियसली हेट कर सकते अपने मास्टर को. दो दिस डिड नॉट हैपन नियरली सो यूनिवर्सली एज डेमोक्रेटिक थ्योरी वुड हैव अस सपोज, बट इवन इफ दे डिड हेट देयर मास्टर्स रिमेन्ड अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट एंड द मास्टर्स एट एनी रेट वर हैप्पी. कहता है कि पुराने जमानों में जब मास्टर अगर स्लेव हेट भी करता था ना अपने मास्टर को, तो मास्टर को इस बात का नहीं पता होता था और वो खुश होता था, मास्टर अपनी लाइफ में खुश होता था. विद द जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी ऑल दिस वॉज चेंज. स्लेव्स हु हैव एक्यूसाइज्ड बिफोर सीज टू एक्यूसेंस मास्टर्स हु हैड फॉर्मली हैड नो डाउट्स एज टू देयर राइट्स बिकेम हेजिटेंट एंड अनसर्टेन. फ्रिक्शन अराउज एंड कॉज अनहैप्पीनेस ऑन बोथ साइड्स. वो कहता है कि जब मास्टर जो फैसले करता था ना, तो स्लेव को वो मानने पड़ते थे, और मास्टर जो स्लेव ऐसा हो सकता था कि स्लेव जो है वो मास्टर को हेट करे, लेकिन मास्टर को इस बात का नहीं पता होता था. लेकिन डेमोक्रेसी ने क्या किया, ऑब्वियसली अब जो हमारे लीडर्स हैं, मतलब उनको लीडर्स तो नहीं कह सकते, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं वो अब हमारे मास्टर्स ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में. तो डेमोक्रेसी में वो जब मास्टर्स हैं तो अब उनको पता होता है कि उनके जो स्लेव्स हैं यानी द पब्लिक द नेशन, वो अगर उनसे हेट करती है तो उनको पता होता है इस चीज़ के बारे में, और वो ना खुद हैप्पी, मतलब ऑब्वियसली जब आपको पता है कि कोई बंदा आपको पसंद नहीं कर रहा तो आप अनहैप्पी तो होते हो. तो वो कहते हैं कि इस तरह से डेमोक्रेसी ने जो है ना वो हैप्पीनेस को ख़त्म कर दिया कि किसी एक के पास भी नहीं है आप. तो वो कहते हैं इसी तरह फ्रिक्शन अराउज, फ्रिक्शन आती है दोनों रिलेशंस के दरमियान, पब्लिक और द पॉलिटिशियन और द मैन हु गवर्न्स, एंड कॉज अनहैप्पीनेस ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ जो है ना वो अनहैप्पीनेस आ जाती है. The change in the relation between parents and children is a particular example of the general spread of democracy. कि ये जो माँ और बच्चे, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान ये जो चेंज आया ना, ये भी डेमोक्रेसी की वजह से है. वो कहने की कोशिश कर रहा है कि पेरेंट्स आर नो लॉन्गर श्योर ऑफ देयर राइट्स एज चिल्ड्रन एज अगेंस्ट देयर चिल्ड्रन. कि अब माँ बाप को जो है वो अपने जो राइट्स का नहीं पता. चिल्ड्रन नो लॉन्गर फील दैट दे ओ रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स. के बच्चे जो है पेरेंट्स को नहीं पता कि उनके क्या राइट्स हैं अपने बच्चों की तरफ, और बच्चों को नहीं पता कि हमें अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट कैसे करना है. ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही होता है कि पब्लिक को नहीं पता होता हमारे राइट्स क्या हैं, और ना ही जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको पता होता है कि हमें कैसे इनको इज्जत देनी है, अपने जो लोग हैं इनको. साइको एनालिसिस हैज टेरिफाइड एजुकेटेड पेरेंट्स विद द फियर ऑफ द हार्म दैट दे मे अनविटिंगली डू देयर चाइल्ड. अब वो साइको एनालिसिस की बात करता है जिसमें वो कहता है कि आजकल जो इतनी तरक्की हो गई है ना, मतलब साइको एनालिसिस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसकी वजह से जो फैमिली का एक इंस्टीट्यूशन है या पेरेंटहुड और चाइल्डहुड है, उसके जो दरमियान जो भी तमाम चीज़ें जो कि एक फियर आ गया है ना पढ़े लिखे माँ बाप के अंदर, उसके बारे में बात करता है. जैसे अब आपको अगर साइको एनालिसिस का नहीं पता तो उसके अंदर मैं आपको ये आगे बताऊँगी कि वो क्या कहते हैं कि इफ दे किस दैम दे मे प्रोड्यूस एन ईडिपस कॉम्प्लेक्स. सो इफ दे डू नॉट दे मे प्रोड्यूस अ फरी ऑफ जेलसी. अगर आप चाहते हैं कि मैं ईडीपस कॉम्प्लेक्स को आपको डिटेल में समझाऊं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें या जो है वो वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप जो है ना वो ईडीपस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं, तो मैं इसको इन डिटेल आपको बता दूंगी कि ये क्या होता है. कि अगर वो अपने बच्चे को जो है वो किस करते हैं तो उनके अंदर ईडीपस कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होने लग जाता है कि शायद हम ईडीपस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए, और अगर नहीं करते तो वो जेलसी आ जाती है उनके अंदर. इफ़ दे ऑर्डर द चिल्ड्रन टू डू थिंग्स दे मे प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ सीन. अगर वो अपने बच्चों को ऑर्डर करते हैं कि चलो ये चीज़ करो तो उनके अंदर सेंस ऑफ सीन आ जाता है. इफ़ दे डू नॉट द चिल्ड्रन अक्वायर हैबिट्स विद द पेरेंट्स थिंक अनडिजायरेबल. और अगर बच्चों को नहीं रोकते तो बच्चों के अंदर ऐसी आदत आ जाती हैं जो अच्छी नहीं है. When they see their baby sucking their thumb or his thumb, और अगर वो देखते हैं कि बच्चा अपने जो है वो अंगूठे को चूस रहा है, they draw all kinds of terrifying inferences, but they are quite at a loss as to what to do to stop him. लेकिन मतलब उनके दिमाग में बड़ी अजीब से ख्याल आते हैं, लेकिन अब उनको ये होता है कि हम इसको रोके कैसे. Parenthood, which used to be a triumph exercise of power, has become timid, anxious and filled with conscientious doubts. कहता है कि parenthood जो कि एक्सरसाइज ऑफ पावर था ऑन द पीक, कि आप पावर में हैं, आप बच्चों को रोक सकते हैं, यू हैव ऑल द पावर, तो इसको अब साइको एनालिसिस ने क्या बना दिया, टिमिड विद फियर्स एंशियस बना दिया. अब आप बड़े बेचैन होते हैं कि हम बच्चों को कैसे समझाएं क्या करें, एंड फिल्ड विद कॉन्साइटिशियस डाउट्स. और अब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा साइंस से रिलेटेड और इस तरह से रिलेटेड, मतलब आपके इर्द गिर्द जो भी डाउट्स हैं वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं.
कि अब हम ऐसा तो नहीं कहीं कर रहे, कहीं ये इस तरह से तो नहीं हो जाएगा, सो डाउट्स आ जाते हैं आपके दिमाग में। नेक्स्ट वो बात करता है कि इन दिस सर्कमस्टेंसेस कॉन्साइटिशियस मदर आस्क टू लिटल ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड अनकॉन्साइटिशियस मदर आस्क टू मच। कि जो कॉन्साइटिशियस मदर है, मतलब जो फॉर एग्जाम्पल जो साइकोनालिसिस को मानती हैं या इस तरह की चीज़ें साइंस को मानती हैं, वो अपने बच्चों के बारे में बड़ा कम पूछती हैं, लेकिन जो अनकॉन्साइटिशियस मदर हैं वो अपने माँ बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछती हैं, उनका बड़ा ध्यान रखती हैं। कॉन्साइटिशियस मदर रिस्ट्रेन देयर नेचुरल अफेक्शन एंड बिकम शाय। कि जो कॉन्साइटिशियस मदर होती हैं वो अपनी नेचुरल अफेक्शन बच्चों के ऊपर ज़्यादा जाहिर नहीं करती हैं, कहीं वो ईडिपस कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए, और शाय रहती हैं। अनकॉन्साइटिशियस मदर सीक इन देयर चिल्ड्रन कॉम्पेंसेशन ऑफ द जॉयज दैट दे हैव हैड टू फॉरगो। लेकिन वो दूसरी जो है वो कंपैरेटिवली ऐसा करती हैं, वो शाय नहीं होती। इन द वन केस द चाइल्ड्स अफेक्शंस आर स्टार्व्ड, इन द अदर दे आर ओवर स्टिमुलेटेड। बाज दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो अफेक्शन के लिए भूखे रह जाते हैं, और बाज दफ़ा ऐसा होता है कि वो ओवरडोज हो जाते हैं। इन ईदर केसेस इज देयर एनी ऑफ दैट सिंपल एंड नेचुरल हैप्पीनेस दैट द फैमिली एट इट्स बेस्ट कैन प्रोवाइड। कि दोनों मामला में जो नेचुरल हैप्पीनेस है वो फैमिली अपने बच्चों को या खुद को प्रोवाइड नहीं कर पाती। ऑन दी वन हैंड दे से दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मैरिड कपल टू हैव एज मैनी चिल्ड्रन एज गॉड विल्स रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोस्पेक्ट दैट सच चिल्ड्रन मे हैव ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। कहता है कि फिर वो बात करता है, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है इस बात के पीछे जो मैं आपको बता देती हूँ, कि वो बात करता है कि किस तरह से जो है ना वो डिक्लाइन इन पॉपुलेशन आ गया है, तो अब जो है वो ये चीज़ें डिस्कस होने लगी हैं कि अब मैरिड कपल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो जितना गॉड विल है उतनी बच्चे उनको पैदा करने चाहिए, इस तमाम चीज़ों को सोचे बगैर कि बच्चे की हेल्थ कैसी होगी और हैप्पीनेस कैसी होगी। वन वन कंसिडर ह्यूमन नेचर अपार्ट फ्रॉम सर्कमस्टांसिस ऑफ द प्रेजेंट डे इट इज़ क्लियर। कहता है कि जब कोई भी बंदा ह्यूमन नेचर के बारे में बात करता है ना प्रेजेंट डे के सर्कमस्टांसिस को सोचने के बाद, तो वो बड़ी क्लियर होती है कि वो जितने चाहे मर्जी बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन सर्कमस्टांसिस को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बच्चे को भूखा तो नहीं ना मारना कि अब आप 10 बच्चे पैदा कर लें और फिर आप उनका खाना ही पूरा ना कर पाएं। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। आई थिंक दैट पेरेंटहुड इज साइकोलॉजिकली कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट एंड्यूरिंग हैप्पीनेस दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर। वो कहता है कि पेरेंटहुड साइकोलॉजिकली बहुत मतलब खूबसूरत चीज़ है, मतलब आप जब एक आपके पास एक बहुत ही एंड्योरिंग और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आती है लाइफ की जब आप माँ बाप बनते हैं। दिस नो डाउट इज मोर ट्रू ऑफ वुमेन देन ऑफ मैन। ओब्वियसली ये माँ के अंदर ज़्यादा होता है, औरतों के अंदर ज़्यादा पेरेंटहुड मतलब माँ बनने की ज़्यादा ख्वाहिश होती है मर्दों से, बट इज मोर ट्रू ऑफ मैन दैट देन मोस्ट मॉडर्न्स आर इंक्लाइंड टू सपोज। लेकिन अब मतलब मॉडर्न सोसाइटी में मर्दों के पास थोड़ी सी ये ज़्यादा इंक्लिनेशन अपने के वो बाप बने या मतलब उनके बच्चे हों। इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड इन ऑलमोस्ट ऑल लिटरेचर बिफोर द प्रेजेंट एज। कि आजकल के ज़माने में मतलब इसको बड़ा ही फॉर ग्रांटेड लिया करता था। युवा केयर्स मोर फॉर हर चिल्ड्रन दैन फॉर प्राइम मैकडफ केयर्स मोर फॉर हिज चिल्ड्रन दैन फॉर हिज वाइफ। के मतलब जो क्यूबा है वो अपने बच्चों की प्राइम से ज़्यादा देखभाल जो है ना वो करती थी, लेकिन मैकडफ जो है वो अपने बच्चों का ज़्यादा केयर करता था अपनी वाइफ से। टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड स्पेशली व्हेन यूथ इज पास इट इज नेसेसिटी टू फील वनसेल्फ नॉट मेरली एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल हुज डेज विल सून बी ओवर बट पार्ट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ लाइफ फ्लोइंग फ्रॉम वन ऑफ द फर्स्ट जर्म टू द रिमोट एंड अननोन फ्यूचर। वो कहता है कि जो फैमिली है ना वो आपको क्या किस चीज़ का एहसास दिलाती है कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं आपका यूथ गुजर जाता है। ऑब्वियसली जवानी में बंदे को नहीं ये लग रहा होता कि मैं एक दिन बूढ़ा भी हो जाऊंगा, मेरी हड्डियां काम नहीं करेंगी, मेरे लिए उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, और ऑब्वियसली ये चीज़ें इतनी मैटर भी नहीं करती। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन जो एक तन्हाई का एलिमेंट है ना ह्यूमंस के अंदर वो बहुत बुरा है। अगर आप तन्हा है ना तो और आपके पास कोई नहीं है तो वो ज़िंदगी में सबसे बड़ी बीमारी है अकॉर्डिंग टू मी। वैसे भी सबके हिसाब से ये आई थिंक सॉलिट्यूड एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि आपको बहुत जल्दी मार देती है। सो कहते हैं कि जब एक बंदा ये फील करता है ना हैप्पी दुनिया के अंदर कि अगर मेरी जिंदगी जो मेरा जवानी का हिस्सा वो गुजर जाए और मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो फिर मुझे अकेले रहना है, तो वो ज़िंदगी जल्दी ओवर हो जाती है उसकी। लेकिन अगर वो अपने लाइफ के साथ अपने जैसे कि उसके घर में उसके बच्चे उनके बच्चे पैदा होंगे, सो वो एक स्ट्रीम ऑफ लिविंग में चलता रहता है, तो वो फिर उसके लिए ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाती है, उसके लिए ज़्यादा सुकून वाली हो जाती है, हैप्पी रहता है वो। नेक्स्ट वो बात करता है द वैल्यू ऑफ पेरेंटल अफेक्शन टू चिल्ड्रन लाइज लार्जली इन द फैक्ट दैट इट इज़ मोर रिलायबल दैन एनी अदर अफेक्शन। के बच्चों के माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए एक दूसरे की मोहब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम किस्म के अफेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस फ्रेंड लाइक वन फॉर वंस मेरिट, के एक दूसरा जो फ्रेंड है दूसरे को उसके मेरिट्स की वजह से, मार्क्स की वजह से, या उसकी उसके अच्छे होने की वजह से, या उसकी कि उसके पास अच्छी चीज़ें हैं उसकी वजह से मोहब्बत करता है, उससे पसंद करता है उसको।
वंस लवर फॉर वंस चार्म्स, और दूसरे का कोई लवर उसको क्यों पसंद करता है कि वो खूबसूरत है, इफ द मेरिट और द चार्म्स डिमिनिश, कि अगर मेरिट और चार्म खत्म हो जाए, फ्रेंड्स एंड लवर मे वैनिश, कि फ्रेंड और लवर खत्म हो जाएंगे, बट इट इज इन टाइम्स ऑफ मिसफॉर्चून दैट पेरेंट्स आर मोस्ट टू बी रिलाइड अपॉन इन इलनेस एंड इवन इन डिस्ग्रेस इफ द पेरेंट्स आर ऑफ द राइट सॉर्ट, कि अगर आपके माँ बाप ठीक है ना तो आपके तमाम हालात में आपका साथ देते हैं, एंड फिर माँ बाप ही बचते हैं जो आपका आपके तमाम जो है ना वो चीज़ें तमाम हालात में आपके साथ हो गए, बेशक आप बीमार हो गए हैं, आप वैसे नहीं दिखते, आप अगली दिखते हैं, आप जिस तरह के भी हैं, अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं तो वो आपको हर हालत में आपके साथ होते हैं। इफ यू मेक हिम टू विविडली अफेयर ऑफ डेंजर्स, यू आर प्रोबेबली एक्टेटेड बाय डिजायर टू कीप हिम डिपेंडेंट अपॉन यू। फिर ये माँ बाप की बात करता है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा डराएंगे ना तो आप उसको ये बना रहे हो कि उसके अंदर डिजायर पैदा कर रहे हो कि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहे। बच्चे और माँ बाप के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। इफ यू गिव हिम डिमोन्स्ट्रेटिव अफेक्शन टू विच यू एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स, यू आर प्रोबेबली एंडेवरिंग टू ग्रैबल हिम टू यू बाय मीन्स ऑफ हिज इमोशंस, कि अगर आप उसको डिमोन्स्ट्रेटिव अफेक्शन दे रहे हो ना तो आप उसे एक रिस्पॉन्स भी अफेक्ट करते हो, और फिर आप मतलब एक रेसिप्रोकल सा मोहब्बत का आप वो उसको करोगे, आप उसको डराओ नहीं बल्कि उसको इस तरह की मोहब्बत हो दैट ही एक्सप्लोर द वर्ल्ड। नेक्स्ट वो बात करता है कि इन रिलेशन टू दैट पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन विच इज़ कॉल्ड एजुकेशन, के दिस इज रिकग्नाइज अ मदर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू टीच हर सन द कैलकुलस हाउएवर मच शी मे लव हिम। वो कहता है कि अब जब उसकी एजुकेशन की बारी आती है ना तो अब माँ बाप को उसकी एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए, द रियल वर्ड एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे को कैलकुलस नहीं सिखा सकती, वो सिर्फ उससे मोहब्बत कर सकती है। सो फार एज द एक्विजिशन ऑफ बुक लर्निंग इज कंसर्न, कि अगर बुक लर्निंग की बात करें, इट इज रिकग्नाइज दैट चिल्ड्रन कैन एक्वायर इट बेटर फ्रॉम दोज हु हैव इट देन फ्रॉम अ मदर हु डज नॉट हैव इट। वो कहते हैं ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उसकी बुकिश लर्निंग की बात आती है ना तो बच्चा उससे ज़्यादा सीखता है जिसको ज़्यादा आता होता है, ना कि अपनी माँ से जिसको कुछ नहीं आता। बट इन रिगार्ड टू मैनी अदर डिपार्टमेंट्स इन द केयर ऑफ चिल्ड्रन दिस इज नॉट रिकग्नाइज बिकॉज द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज नॉट येट रिकग्नाइज। लेकिन कहता है उसकी केयर के डिपार्टमेंट में अभी तक ये बात नहीं आई क्योंकि एक्सपीरियंस जो है ना वो अभी तक उसके बारे में रिकग्नाइज नहीं हुआ इतना। अनडाउटेडली सर्टेन थिंग्स आर बेटर डन बाय द मदर, ऑब्वियसली वो कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, माँ बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन करती है, बट एट एज द चिल्ड्रन गेट्स ओल्डर, जैसे कि बच्चे ज़्यादा बड़े होना शुरू हो जाते हैं, देर विल बी एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थिंग्स बेटर डन बाय समवन एल्स। तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कोई और दूसरा बेहतरीन तरीके से कर सकता है जो माँ नहीं कर सकती। ऑब्वियसली माँ अपने बच्चों को उसको उसने कैलकुलस माँ ने कैलकुलस नहीं पढ़ा, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो उन्हें बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? ऑब्वियसली वो पढ़ा सकता है जिसने उस चीज़ को पढ़ा हुआ है। बट इफ दिस वर जनरली रिकग्नाइज मदर वुड बी सेव्ड अ ग्रेट डील ऑफ लेबर विच इज अर्कसम टू देम। लेकिन कहता है अगर ये चीज़ रिकग्नाइज हो जाए, समझ आ जाए लोगों के बारे लोगों को जनरली पब्लिक में समझ आ जाए, तो माँ के जो काम करना, माँ के जो अपने बच्चों के ऊपर वो जो इतना टाइम लगाती है, तो उस चीज़ को कम हो जाएगी ये लेबर। बिकॉज इट इज़ नॉट दैट इन विच दे हैव प्रोफेशनल, क्योंकि इसके अंदर वो प्रोफेशनल नहीं होती। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि मैनी अ चाइल्ड इज साइकोलॉजिकली रुइंड बाय इग्नोरेंट एंड सेंटीमेंटल हैंडलिंग ऑन द पार्ट ऑफ इट्स मदर, के बाद बच्चे साइकोलॉजिकली रुइंड हो जाते हैं क्योंकि उनकी माँ सेंटीमेंटली उनको यानी इमोशनली उनको अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। इट हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज दैट फादर्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डू वेरी मच फॉर देयर चिल्ड्रन, एंड यट चिल्ड्रन आर क्वाइट एज एप्ट टू लव देयर फादर एज टू लव देयर मदर्स। और कहता है कि मतलब ये हमने देखा है कि बाप जो है वो अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो ज़्यादा मोहब्बत करे बच्चों से, बल्कि माँ से ज़्यादा करता है वो। द रिलेशन ऑफ द मदर टू द चाइल्ड विल हैव इन फ्यूचर टू रिजेंबल मोर एंड मोर इन दैट दैट विच एट प्रेजेंट द फादर हैज़। इफ वुमेन्स लाइव्स आर टू बी फ्रीड फ्रॉम अननेसेसरी स्लेवरी एंड चिल्ड्रन आर टू बी अलाउड टू प्रॉफिट बाय द साइंटिफिक नॉलेज विच इज एक्यूमुलेटिंग टू एज टू द केयर ऑफ देयर माइंड्स आर बॉडीज इन अर्ली ईयर्स। कहते हैं कि लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी अगर माँ बाप दोनों मिलकर एक बच्चे को पालें, दोनों उतनी ही मोहब्बत करें जैसे माँ बच्चे को मोहब्बत करती, बाप भी करे, और बाप बच्चा भी फिर जितनी माँ से मोहब्बत करता है वो अपने बाप से भी उतनी मोहब्बत करे, और माँ बाप दोनों ही अलाउ करें कि जो माँ है वो अननेसेसरी स्लेवरी ना करे अपने बच्चे की, बल्कि उसको साइंटिफिक नॉलेज दे, तो फिर मतलब एज कम्पेयर टू द अर्ली ईयर्स उसका जो दिमाग है उसकी जो बॉडी है उसको उतनी ही केयर दे जितनी ज़रूरी है। अर्ली ईयर्स मतलब चाहता है कि जैसी चीज़ें थोड़ी पुराने ज़मानों में होती थी वैसी हों, तो फिर एक अच्छी फैमिली जो है वो उसके अंदर अफेक्शन हो सकती है, एक अच्छी फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो दोबारा बहाल हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।